Ayurveda from Regional Ayurveda Research Institute under CCRAS, Ministry of Ayush, Government of India. तो किरण जी आयुर्वेदिक आयुष मिनिस्टर भी है और काफ़ी ये जो मेडिसिन है जो 64 तो उसका काफ़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसमें है क्या चीज़ और लोगों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए आयुष 64 एक CCRAS का रिसर्च प्रोडक्ट है, जैसा कि सर ने बताया कि 1980s के अंदर मलेरिया के लिए ये मेडिसिन डेवलप की गई थी, लेकिन अभी क्या है कोविड में कोई न्यू मेडिसिन आ नहीं रही है तो पुरानी मेडिसिन को रीपर्पज़ किया गया है कि तो ये जो है इसको रीपर्पज़ करके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने CSIR के साथ क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करके माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट्स पे इसके रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं, उसके बाद इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से लॉन्च किया गया है। और अभी जो सर ने जो लॉन्च किया है वो इसका अब मास लेवल पे कम्युनिटी लेवल इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का कैंपेन पूरे ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, लेकिन सर ने स्पेसिफिकली अरुणाचल प्रदेश कॉन्स्टिट्यूएंसी के होने के कारण यहाँ पे स्पेसिफिकली इसको लॉन्च किया है। बाकी ये मेडिसिन हमारे इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है और इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर टोटल 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं, जिसके अंदर सप्तपर्ण है, लता करंज है और कुटकी है और चिरायता है, जो कि अपने आप में बहुत ही पोटेंट एंटीवायरल, इम्यूनो मॉड्यूलेटर एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। और इससे पेशेंट्स जो इसको लेने के लिए जो एलिजिबल पेशेंट्स हैं, जो 18 ईयर से अबो जिनका एज है, 60 ईयर से बिलो जिनका एज है, जिनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन कोई सिम्टम नहीं है, इनकी एसिम्प्टोमेटिक कोविड पेशेंट, या फिर जिनका सिम्टम्स है लेकिन टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, सिम्टोमेटिकली अगर कोविड है उनको, तो ऐसे माइल्ड टू मॉडरेट एंड एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को हम ये दे रहे हैं। सीवियर पेशेंट्स को, बच्चों को, लैक्टेटिंग मदर्स को या प्रेग्नेंट लेडी को, इनको हमने एक्सक्लूड किया है इसके अंदर, ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, 20 डेज का मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल सिचुएशन ऑफ द पेशेंट वी आर प्रोवाइडिंग टू द पेशेंट हु आर विलिंग टू टेक दिस मेडिसिन। और सेवा भारती जो एनजीओ है पूरे पैन इंडिया, उनके साथ कोलेब्रेशन में हम ये काम कर रहे हैं। जैसे आपको मेडिसिन चाहिए, आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपका टेलीफोनिकली इंटरव्यू लेकर आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और आपके घर पे सेवा भारती के वॉलंटियर आपके घर पे जो प्रेस्क्राइब डोज है 20 डेज का आपको दे के आएंगे। उसके बाद आफ्टर एवरी 7 डेज डॉक्टर आपको कॉल करेगा, आपका फीडबैक लेगा, आपका फॉलोअप लेगा। इन बिटवीन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कभी भी 24/7 डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसी नंबर पर। किरण जी एक वेबसाइट भी लॉन्च किए थे उस दिन, ऐप भी लॉन्च किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, एक आयुष संजीवनी ऐप है जो कि लगभग एक साल पहले लॉन्च हुआ था एक स्टडी के लिए, उसी ऐप को अपडेटेड वर्जन उसका रेडी किया गया है, जो कि 10 दिन पहले लगभग लॉन्च किया गया था और कल से वो फंक्शनल हो गया है। वो ऐप, उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो आप कोई भी आदमी उस ऐप को इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से, उसमें बहुत सारी जानकारी है कि आपको होम रेमेडीज़ क्या करना चाहिए, आप क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते वगैरह वगैरह, वो जनरल पब्लिक के लिए। दूसरा, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपने कुछ खाया और आपको अच्छा लगा आयुर्वेद का, होम्योपैथी, यूनानी, जो भी है, तो आप अपना फीडबैक भी डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल I-64 हम जिनको दे रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं कि आफ्टर एवरी 7 डेज उनका रजिस्ट्रेशन होता है उस ऐप के ऊपर, और आफ्टर एवरी 7 डेज वो अपना फीडबैक डाल सकते हैं कि हाँ मैंने इसका इतना इतना गोली खाया, मेरे को ये पहले सर्दी खांसी जुकाम था, अभी ठीक है। तो ये सब डेटा भी ऊपर कलेक्ट होता है, जिससे कि हम भविष्य में आज से कुछ महीने बाद डेटा को एनालाइज करके कह पाएंगे कि हाँ दिस इज़ वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। कोविड टेस्ट 3 आइटम दिया है, एक है हमारा ट्रूनेट चिप्स 14,000 दिया है, ट्रूनेट मतलब एक टेस्टिंग होता है कोविड ट्रूनेट 14,000, सेकेंड पल्स ऑक्सीमीटर 5,000 नंबर्स, एंड देन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 10 नंबर 10। ये तीनों इसको कहाँ यूज करने का प्रोग्राम है सर? ये अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ट्रूनेट टेस्टिंग हर डिस्ट्रिक्ट जहाँ ट्रूनेट का टेस्टिंग फैसिलिटी वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंड ऑक्सीमीटर जो होम आइसोलेशन के जहाँ है उन लोगों में हम लोग प्लान बना है। सर अभी जैसे स्टेट गवर्नमेंट जैसे प्रायोरिटी करके रखा है, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का तो डिस्ट्रिक्ट में कोई कमी नहीं होता होगा अभी? ऑक्सीजन तो कमी तो नहीं होना चाहिए, बढ़ रहे हैं, ये तो इंफॉर्मेशन डॉक्टर का होगा, बात होगा असली। जहाँ तक मैं समझता मालूम है ऑक्सीजन का बहुत दुष्काम हो रहा है, अभी तक कुछ कमियां नहीं है। जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट का DCHC में कुछ जम्बो सिलेंडर्स पूरा है, अभी ऑक्सीजन प्लांट भी अभी ये महीना अंदर में जहाँ जहाँ इंस्टॉलेशन चल रहा है ऑन द ग्राउंड वो खत्म। जम्पा साहब, खास करके आप इसमें देख रहे हैं कोविड को भी, तो एक चीज़ हम लोगों को जानकारी चाहिए था कि पॉजिटिव रेट अभी किस टाइप से चल रहा है, ट्रेंड कैसा है, लोगों को किस टाइप से आपको आप बता सकते हैं कि फिगर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अभी हर दिन का हिसाब से कैसे फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क तो थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है, इधर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ सही ढंग से उसकी सभी मेंटेन करें, खासतौर ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स रीजन में तभी थोड़ा घट रहा है, लेकिन
हम अब कह नहीं सके, ये हम लोग को जो ट्रेंड दिखता है हफ्ते को ऊपर हफ्ते दिखता है, वीक ऑन वीक एविडेंस। अभी जो जिस जब अनलॉक हुआ 7 तारीख, आज 10 तारीख है, 3 दिन में थोड़ा गिर रहा है, लेकिन अभी हम लोग को कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। डेली कितना नंबर टेस्टिंग होता है, कितना पॉजिटिव होता है। फिलहाल अभी 5.1% जैसे 7 तारीख में दिखा है, तो ये टेस्टिंग भी सर एवरेज में चल रहा है ना, कमी है ना उसमें ज़्यादा है? टेस्टिंग अभी ठीक ही चल रहा है, ठीक ही चल रहा है। आम आदमी को आप क्या बोलेंगे सर, क्योंकि अभी अनलॉक तो नहीं हुआ है, पार्सल अनलॉक हुआ है? आम आदमी वही बोला, नंबर वन तो शांति रहो, पीस ना, थोड़ा हल्का जहाँ जहाँ ऐसे एक्साइट नहीं होना है और पैनिक नहीं करना है, नंबर वन डरना नहीं। और जो सरकार से कह रहा है कि बार बार कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसमें 3 चीज़ बार बार हम कह रहे हैं, मास्क पहनना है जहाँ जहाँ जाने से, मास्क छोड़ना नहीं, और नंबर 2 है आपका हाथ सफाई करना है, हैंड सैनिटाइजर या साबुन पानी से धोना है बीच बीच में, और नंबर 3 है ये फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, वो भीड़ भाड़ के में घुसना है, मेंटेन करना है डिस्टेंस कम से कम 2 मीटर। ये है, ये सब ठीक करने से मैं समझता हूँ कि ये कोविड का जो जिस ढंग से फैल रहा है वो बहुत कम ही हो जाएगा, 70% 70% जनता के ऊपर में।